करो। उनकी रहमत का हाल यह है कि साहिब मुआरिज लिखते हैं कि अगर शैतान भी बारगाह रिसालत में आए तो महरूम इस एतबार से नहीं जाता कि उसने सवाल कर लिया है। एक मरतबा शैतान आकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, आप रहमतुल्लिल आलमीन हैं तो मैं भी तो आलम के अंदर हूं, मेरे लिए आप कैसे रहमत है। तो मेरे करीम आका ने फरमाया, बोल चाहता क्या है, खुदा की इज्जत की कसम, या किसी ने शैतान को भी कहा है कि बोल चाहता क्या है। शैतान ने कहा, बात इतनी है, जब आपका कोई उम्मती तीन एक मरतबा ला हौल पढ़ता है या एक मरतबा उस बिल्ला पढ़ता है तो मुझे तीन कोड़े लगाए जाते हैं। आपकी रहमत से इतना हिस्सा चाहता हूं कि अगर कोई एक मरतबा ला हौल या उस बिल्ला पढ़े तो तीन कोड़े ना लगे बल्कि एक ही लगा करें। हुजूर ने फरमाया, जा आज के बाद ऐसा ही होगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए हामिद मुस्तफा बादी कहते हैं, ये दरबारे मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ, कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। और ये दरबारे मोहम्मद है, यहां मिलता है बेमांगे। अरे नादा, यहां दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादा, यहां दामन को फैलाया नहीं करते। ये उनकी बात है, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए।